हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपको श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो किस तरह से करना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या विधि है। क्योंकि दोस्तों, इसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सी चीज़ों में मतभेद है इसके साथ, तो आप को हम बिल्कुल सरल विधि बताएंगे जो हमारे गुरु जी ने हमें बताई है, उसी के साथ हम आपको बताएंगे कि ये पाठ आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको 13 अध्याय नहीं पढ़नी है तो आप किस तरह से पाठ करिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, इसको आधा अधूरा वॉच बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको आधी अधूरी या फिर बीच बीच में जानकारी मिलेगी तो आप इस पाठ का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले आपको पुस्तक का पूजन कर लेना है। सर्वप्रथम आपको माता को स्नान आदि कराकर चल के छींटे देकर चंदन रोली आदि तिलक चावल करके फूल चढ़ा के लाल पुष्प माता को, और ध्यान रखिए दोस्तों, इसको बुक को हमेशा आपको लाल वस्त्र में ही रखना है। तो इसको आप नमस्कार कर कर आप माता को फूल चढ़ा के ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चय का पाठ करके आपको इस बुक को खोलना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये वाला श्लोक पढ़ना है दोस्तों। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये पाठ करने के बाद अब देखिए दोस्तों, आप इस तरह से भी अपनी बुक में टिक लगाते जाइएगा वीडियो के टाइम, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी, आप नंबरिंग कर लीजिएगा। पहले आपको पढ़ना है दुर्गा सप्त श्लोकी। तो ये 7 श्लोकों में पूरी सप्तशती का समरी है, आप ये भी पाठ कर सकते हैं। आपको विशिष्ट रूप से इसका पाठ करना है। शिववाच पढ़ना है, देव्यावाच पढ़ना है, उसके बाद ओम अस्य से लेके विनियोग तक दोस्तों आपको जल लेना है आचमनी से अपने हाथ में, सीधे हाथ में। उसके बाद आपको ये पूरा पढ़ना है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोके स्त्रोत महेश नारद ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तति दुर्गा पाठ विनियोग। ये बोल के आपको उसमें जल छोड़ देना है, कटोरी में रख लीजिएगा, उसमें जल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको ये पूरा पाठ करना है। ओम ज्ञान नाम अपि से काल दस में मेरी विनाशनम, तो आपको पूरा पाठ हो जाएगा ये। उसके बाद करना है आपको दुर्गे मैया के दुर्गे माता के 108 नामों का पाठ, शतनाम से लेके और ये पदम तक आपको पूरा पाठ करना है। अब आती है दोस्तों हमारी जो मेन पाठ है वो विधि उसकी। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये मेन नहीं है, आपको इनका पाठ जरूर करना है, जब भी आपका जो दुर्गा सप्तशती है वो संपूर्ण होगा। तो देखिए अब इसका आपको बताएंगे हम। अब आपको करना है पाठ विधि से, पहले करना है आपको पवित्रीकरण। ओम आप पवित्र हो पवित्रो वाले मंत्र से आप पवित्रीकरण कीजिए। उसके बाद करनी है आपको आचमन। ये दोस्तों आपको यही मंत्र यूज़ करने हैं आचमन के, क्योंकि जो आप नॉर्मल पूजा में यूज़ करते हैं ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदा नमः, वो मंत्र आपको यूज़ नहीं करने हैं दुर्गा सप्तशती की पूजा में, क्योंकि ये स्पेशल मंत्र दिए गए हैं। ओम एम आत्म तत्त्वम शोधयामि नमः स्वाहा, यही मंत्र आपको यूज़ करने हैं, और लास्ट वाले मंत्र से आपको हाथ पवित्र करके अब लेना है आपको संकल्प। संकल्प आप ओम विष्णु 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 बोल के पूरा आप करिष्यति तक करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा लिखा है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यही संकल्प से आपका जो पाठ है वो फलीभूत होगा दोस्तों। अगर आपको ये सब नहीं आया तो दोस्तों ओम विष्णु 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 आप हिंदी में अपने भाव से माता को समझा सकते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हम इस जगह रहेंगे, हम इस तरह हैं, और जैसे कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा वार है, जैसे शनिवार से शनिवार से को आप क्या कर रहे हैं, उस पाठ को आपको पूरा समझा देना हिंदी में। उसके बाद आपको माता के चरणों में अपना संकल्प छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद करना है आपको इस पाठ का शाप विमोचन, मतलब आपको इस बुक का, जैसे कि दोस्तों आप मान सकते हैं ये बुक अभी ताला लगा हुआ है इस बुक में, तो आपको उसके लिए चाबी है वो ये चाबी है दोस्तों। ओम अर्श से लेके विनियुक्त। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखना है आपको, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको जपे नहीं बोलना है, आपको बोलना है पाठे, क्योंकि आप इसका पाठ कर रहे हैं। जप होता है कि आप इसके कितने पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी इतने अच्छे नहीं है कि अभी आप इसकी बहुत सारे पाठ कर सकें, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी कि पूरी बुक के काफ़ी सारे पाठ कर सकें। इसलिए आपको जपे की जगह पाठे यूज़ करना है, क्योंकि आप एक बार ही पाठ करेंगे इसलिए, तो आपको पाठे विनियोग बोल के जल छोड़ देना है। उसके बाद ओम रीम रेत स्वरूप पढ़ने से लेके संशय तक आपको इस बुक का शाप विमोचन करना है दोस्तों। अब करनी है आपको नवार्ड मंत्र की माला एक, तो उसके लिए जो विनियोग है वो रहेगा ओम गणपति जयति ओम अश्री नवार्ड मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषय से लेके जपे विनियोग तक।
अब दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जपे विनियोग ही बोलना है, क्योंकि आप इस समय माला करेंगे एक, ये आपको माला से पहले करना है, क्योंकि आप इस समय विनियोग छोड़ेंगे उसके बाद आपको माला उठानी है अपनी। तो ये आप जपे पाठे बोल, जपे विनियोग ही बोलना, कि पाठे मत नहीं बोलना है आपको, क्योंकि इस समय आप माला पर जप करेंगे माता के मंत्रों का। उसके बाद आपको अगर आप कर सकते हैं तो आप ये सब पुडिशन न्यास, करण न्यास, हिरण्यास आपको ये सारी करने, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप माता के नामों का जय जयकार करके भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद करना है आपको माता के मंत्र का ध्यान, ओम खड़ग चक्र गदेशु, ये सब पूरे मंत्र से आपको ध्यान करके इस मंत्र से आपको ओम ह्रीम अक्षमार्गाय नमः, इस मंत्र से आपको माला की पूजा करने के बाद प्रार्थना करनी है इस प्रकार। और इसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विश्वे, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है दोस्तों। जाप करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे दुर्गा जी के पाठ पर, 13 अध्याय पर। 13 अध्याय में दोस्तों तीन चरित्र कहे जाते हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। तो जो प्रथम चरित्र है उसमें एक अध्याय आता है जो कि है पहला अध्याय, उसका विनियोग आपको कुछ इस प्रकार छोड़ना है, जपी की जगह पाठे बोल के विनियोग छोड़ देना है, ध्यान आपको पढ़ना है। आप चाहें हिंदी में पाठ कर सकते हैं, हिंदी में करिए दोस्तों, ये आपको पूरा प्रथम चरित्र का पाठ कर लेना है दोस्तों। इसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पर मतलब कुछ घंटी वगैरह का कुछ साउंड करिएगा, उसके बाद आपको मध्यम चरित्र का पाठ करना है। मध्यम चरित्र में दोस्तों दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, तीन अध्याय आते हैं। इसके बाद आपको विनियोग करना है, ध्यान रखिएगा जो प्रथम चरित्र उसका पाठ पूरा एक बार में करना है, मध्यम चरित्र का पाठ पूरा एक बार में होगा, और जो उत्तर चरित्र है उसका पाठ एक बार में होगा। मतलब एक दिन में अगर आपको पूरी बुक पढ़ना हो, मतलब आपको 9 दिन में इस बुक के 9 पाठ करने हैं, तो आप एक दिन में ऐसा कर सकते हैं कि एक बार में आपने ये पढ़ लिया, फिर दूसरी बार उठ के आपने ये पढ़ लिया, फिर तीसरी बार में आप तीसरा चरित्र पढ़ के इसको पूरा ख़त्म कर सकते हैं एक दिन में, नहीं तो आप अपनी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये जो चरित्र है वो एक बार में एक ही पूरे चरित्र का पाठ किया जाता है, ध्यान करिएगा। उसके बाद ये पूरा चरित्र पढ़िएगा, चरित्र पढ़ने के बाद अब आप आएंगे उत्तर चरित्र पर। उत्तर चरित्र का भी सेम विधि है, बिल्कुल उसी तरह जल छोड़िएगा, जब चरित्र का पाठे विनियोग, बिल्कुल सही लिखा है, पाठे विनियोग करके आप जल छोड़ेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद आप माता के अध्यायों का पाठ करेंगे। पूरा हो जाने के बाद तो यहाँ देखिए दोस्तों बिल्कुल पूरा हो जाता है ये पाठ, 13 अध्याय आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपको करना है एक नवाण मंत्र की आपको माला करनी है, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों। तो आपको अगर चाहो तो आप न्यास वगैरह कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान करके 108 बार आपको फिर माला की पूजा करके ओम ह्रीं अक्ष मालिकाय नमः, इस मंत्र से माला की पूजा करके 108 बार जाप करना है। यही सेम मंत्र आपने आपने को पढ़ा था, वही मंत्र यही है। तो आपको पूजा कर लेनी है माला की, उसके बाद आपको ध्यान करने के बाद माता का, उसके बाद आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ पढ़ने की, पर आप चाहें तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पाठ है दोस्तों, ये पूरा 5वां अध्याय है माता के। इसके बाद करना है दोस्तों आपको तीन रहस्यों का पाठ, जिसमें कि पहला है प्रधानिक, फिर वृत्तिक और फिर मूर्ति रहस्य। तो इसमें आपको विनियोग छोड़ना है, पाठ ही करके विनियोग छोड़ेंगे, पूरा पाठ करिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है वृत्तिक रहस्य, पूरा पाठ विनियोग छोड़ के आप पाठ करिएगा। उसके बाद करना है मूर्ति रहस्य, मूर्ति रहस्य करने के बाद सेम विधि रहेगी, आपको पाठ वगैरह करना है, जब विनियोग छोड़ के पाठ करना है। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद करना है आपको, देखिए तो आपने मूर्ति रहस्य पढ़ लिया, उसके बाद करना है आपको सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ। उसमें भी आपको दोस्तों विनियोग हो तो विनियोग पढ़िएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है उसमें विनियोग की, शायद उसमें दोस्तों विनियोग नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में उसमें विनियोग आता है, कुछ कुछ में नहीं आता। जैसे कि दोस्तों जो 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 ये बेसिक किताब है दुर्गा सप्तशती की, इसमें विनियोग नहीं है, तो आप इसमें मत पढ़िएगा विनियोग। षोड़देव प्रवक्षामि से करके आप रोदनम तथा तक पूरा पढ़ के कुंज का स्तोत्र को पढ़िएगा। और दोस्तों उसके बाद पढ़ना है आपको माता रानी के 32 नाम, माता रानी के 32 नाम पढ़ने के बाद आपको करनी है क्षमा प्रार्थन स्तोत्र का पाठ। उसमें माता रानी के से आप माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपको कर लेनी है अम्बे जी की आरती। तो दोस्तों ये था संपूर्ण दुर्गा सप्तशती की विधि, जिसमें आपको इस तरह से इसका पाठ करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो पूरी बुक का पाठ नहीं कर सकते हैं, मतलब जो 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उनके लिए है कि सबसे पहले आप क्या पढ़िए, हम बताते हैं आपको। आप वो स्टार्टिंग में बुक का जो मंत्र है वो पढ़िए, फिर आपको पढ़ना है दुर्गा सप्तश्लोकी, उसके बाद माता रानी की 108 नाम, कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद ये सब कुछ मध्य पढ़िएगा दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है पढ़ना तो।
इसके बाद आपको पढ़ने हैं दोस्तों, उसके बाद पढ़ना है आपको तंत्रोक्त देवी सूक्तम, जो हम अभी बता रहे थे आपको, वो आपको पढ़ना है तंत्रोक्त देवी सूक्तम। उसके बाद आपको देवी की, देवी जी का पढ़ना है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसके बाद आपको क्षमा पराधीन स्त्रोत, दोनों स्त्रोत्रों का पाठ करिएगा आप, देवी क्षमा पराधीन स्त्रोत्र और क्षमा प्रार्थना दोनों का पाठ करके आप अम्बे जी की आरती कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये भी आपका संपूर्ण पाठ हो जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों को कुछ भी बिल्कुल नहीं आइडिया है इस बुक का, तो वो डेली सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी दोस्तों इस बुक का पूरा लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों इसमें आप देखिए सबसे अधिक कुछ संपुट मंत्र हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें जो लास्ट में जाएंगे आप तो देखिए ये जो संपुट मंत्र हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पर कोई विपत्ति है दोस्तों, तो आप विपत्ति नाश के लिए जो ये मंत्र दिया है, शरण गण दिनात्र परित्राण परायण सर्वास्य अर्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का ये संपुट होते हैं, तो आपको संपुट लगाना है इस मंत्र का। जैसे कि आप पहले चरित्र का जब पाठ करेंगे, मतलब पहले अध्याय का पाठ करेंगे, तो पहले अध्याय के पाठ के स्टार्ट करने से पहले आपको ये मंत्र बोलना है, ओम शरण गणेन्द्राय परित्राण परायण सर्वास्य अर्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो जैसे कि आपका अध्याय स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बोलना है, अध्याय को एंड करेंगे तो बोलना है आपको, तो ये आपका संपुट हो जाएगा इस मंत्र से। तो आप इसको संपुट लगा के या इनमें से किसी भी मंत्र का, जैसे महामारी के नाश, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो आप पहले अध्याय से पहले आप जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा सेवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करके आप पहला अध्याय पढ़िए, फिर आप पूरा अध्याय पढ़ने के बाद इस मंत्र को पढ़िए, मतलब हर अध्याय के स्टार्टिंग और एंड में आपको ये मंत्र बोलना है। तो इस तरह आप संपुट लगा के भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं दोस्तों। तो यही थी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि दोस्तों। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, जय माता दी दोस्तों।